हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2017 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें और हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो डाला जिसमें हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो मित्रों पहला क्वेश्चन है, राज्य का पहला कैशलेस जिला कौन सा बना? तो ये बना मित्रों उदयपुर जिला। नेक्स्ट है, सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है? तो मित्रों है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो व यात्री एयरपोर्ट कहां पर बन रहा है? तो ये बन रहा मित्रों कोट कासिम अलवर के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य का पहला जिला जो जैविक जिला होम बना, तो ये मित्रों डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट है, बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ संयुक्त उपभोक्ता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मित्रों है कौन सा, HPCL कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है, यानी कि इस संयुक्त संयंत्र का नाम क्या है? तो संयुक्त संयंत्र का नाम है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की घोषणा कब हुई? तो मित्रों ये हुई 8 मार्च 2018 को, ठीक है। 2018 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मित्रों ये प्रदान किया गया दीप्ति कुलश्रेष्ठ, जो कहाँ से हैं, जोधपुर से हैं, ठीक है। और इनका उपन्यास था अंधे मोड़ से आगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी अन्य पुरस्कार हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मित्रों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में अलवर व अजमेर में क्रमश कौन विजय रहे? तो ये रहे मित्रों डॉक्टर कर्ण सिंह, ठीक है, अलवर के अंदर रघु शर्मा अजमेर के अंदर, और ये दोनों कांग्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में भाजपा की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है मित्रों 160। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की विधानसभा सीट कितनी है? तो मित्रों है 25। 2018 को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए किसे चयनित किया गया? तो ये किया गया मित्रों अभिषेक महोरिया को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2017 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला? तो ये मित्रों संभाला डॉक्टर आदिश्याम गर्ग ने, जो 2 मई 2018 को रिटायर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, RPSC का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये मित्रों हैं ऑनलाइन ऑन टाइम। नेक्स्ट है, किस राज्य का लोक सेवा आयोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन परीक्षा संपन्न करवाने में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये मित्रों कौन सा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है, राज्य की पहली कुश्ती अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी मित्रों लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है, प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग परियोजना कौन सी है? तो मित्रों ये है डिडवाणा से दूतावास, 2.25 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम जैविक गांव किसे घोषित किया गया? तो मित्रों घाटी का जयसमंद उदयपुर को, ठीक है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो मित्रों डूंगरपुर है। राज्य की बात करें तो है सिक्किम, ये डूंगरपुर मैंने आपको अभी बताया। फिर नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के दूसरे चरण 16 अक्टूबर 2017 की शुरुआत कहां से की गई? तो मित्रों ये अजमेर से की गई, ठीक है, जिसके अंदर 51 स्मार्ट मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाई और अलग अलग शहरों के अंदर भेजा गया। बात करते हैं मित्रों अन्नपूर्णा रसोई योजना के शुरुआत की, तो पहला चरण शुरू हुआ था मित्रों 15 दिसंबर 2016 से वसुंधरा राजे के द्वारा, ठीक है, जयपुर से, और ये 12 शहरों के अंदर स्टार्ट हुआ था और 80 वैन सुविधा अवेलेबल थी। नेक्स्ट है, किस जेल में राज्य का पहला रेडियो चैनल शुरू हुआ? तो मित्रों ये कौन सा है, जेलवाणी नाम से, भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो मित्रों ये हुआ 11 अक्टूबर 2017 को, ये 7वां शहर बना है, ठीक है, जहां पे एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, सघन मिशन इंद्रधनुष का राज्य में शुभारंभ कब हुआ? तो मित्रों ये हुआ 8 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, राज्य के 11 जिलों में इसकी शुरुआत हुई और उसी के साथ में जयपुर का शहरी इलाका भी शामिल है।
किस सरकार द्वारा देश के पहले फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन 5-6 अगस्त 2017 का आयोजन किया गया? तो मित्रों ये राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मित्रों रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2017 को राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने मित्रों सीपी जोशी, जिन्होंने ललित मोदी के पुत्र रोचित मोदी को हराया, ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष बने इकबाल। नेक्स्ट है, देश की प्रथम 20 स्मार्ट सिटी में राजस्थान की कौन सी सिटी अव्वल घोषित की गई? तो मित्रों यह की गई उदयपुर सिटी, ठीक है। और इसका जो कार्यक्रम है वो मुंबई के अंदर संपन्न हुआ था, जिसके अंदर वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, ठीक है, ये पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान में एशिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो स्पेस जंग पर नजर रखेगा, ठीक है, कहाँ लगा जा रहा है? तो मित्रों ये लगा जा रहा है माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले महिला विशेष थाने का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो मित्रों जयपुर के अंदर गांधी नगर थाना परिसर के अंदर इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पर मित्रों थाना अधिकारी सहित पूरा स्टाफ महिला पुलिसकर्मी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो मित्रों ये किया गया कवरपुरा मंडावलन गांव, ठीक है, खानपुर समिति झालावाड़ से, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रत्येक शहर में बेटियों के गौरव व सम्मान हेतु बनाए जाने वाले गार्डन का क्या नाम है? तो मित्रों ये बेटी गौरव गार्डन। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल को जलियांवाला बाग जैसा शहीद स्मारक बनाने की घोषणा हुई? तो मित्रों कौन सा है? हनुमान के मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। राज्य में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मित्रों बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, देश की पहली ऐसी गौशाला कहाँ बनी जहाँ एक ही स्थान पर भारतीय नस्ल के 44,000 गौवंशीय पशु रहते हैं? तो ये मित्रों बरसाना भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ मित्रों भरतपुर के अंदर। देखते हैं बारे में, प्रदेश में पहली बार अलग से मोरों की गणना की शुरुआत किस संभाग से की जाएगी? तो ये की जाएगी मित्रों जोधपुर संभाग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थल बर्ड विलेज के नाम से विख्यात है? तो ये मित्रों मैनार उदयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर बालिकाओं को अब इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के स्थान पर कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो ये मित्रों पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, और इसके अंदर 8वीं क्लास को भी शामिल किया गया है, ठीक है, जो बीपीएल है। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मित्रों वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर के अंदर, ठीक है, और इसकी थीम थी पारंपरिक सिनेमा बनान नवीन तकनीक सिनेमा, ठीक है, और राजस्थान की एक फिल्म है तावड़ा, ठीक है, उसको भी पुरस्कार मिला है। फिर नेक्स्ट है, 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे मित्रों प्रत्युमन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, 14वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है कैलाश मेघवाल। नेक्स्ट है, 14वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो मित्रों रामेश्वर डूडी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा 2018-19 का बजट कब पेश किया गया? तो ये किया गया मित्रों 12 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कितने रुपयों का बजट पेश किया? तो ये किया मित्रों 1,07,865 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारी कल्याण निधि की स्थापना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया मित्रों 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, व्यापारियों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है, कविता विद्या का सुधींद्र पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया मित्रों डॉक्टर पद्मजा शर्मा, जो जोधपुर से हैं, और इनकी कृति है मैं बोलूंगी। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अन्य है कथा उपन्यास विद्या का डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो ये किया गया मित्रों हरदान हर्ष जयपुर से। नेक्स्ट है नाटक विद्या का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया मित्रों रमेश खत्री, ठीक है, जो जयपुर से है। नेक्स्ट है और इसकी जो कृति है मौको कहाँ ढूंढ रहे। नेक्स्ट है आलोचना विद्या का देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया मित्रों लहरी राम मीणा जो दिल्ली से है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया मित्रों हर्ष दर्शन सहगल को जो बीकानेर से है और इनकी कृति है डगर डगर पर मगर। नेक्स्ट है बाल साहित्य का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया मित्रों गोविंद भारद्वाज को जो अजमेर से हैं और इनकी कृति है बिल्ली मौसी बड़ी सयानी। नेक्स्ट है पंडित जनार्दन राय नागर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया मित्रों डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ को। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में राज्य का कौन सा सड़क मार्ग शामिल किया गया, तो ये किया गया मित्रों कोटपुतली बाईपास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले से किया, तो ये किया मित्रों झुंझुनू जिले से और इसका जो टोटल बजट है वो है 9,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है 2017-18 का राष्ट्रीय स्तर का श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का नारी शक्ति पुरस्कार किससे मिला है, तो वो मिला है राजस्थान को। नेक्स्ट है मित्रों राज्य का पहला रेलवे स्टेशन जो महिला संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है, तो वो कौन सा है, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जयपुर। नेक्स्ट है फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री श्री लाल जोशी का निधन कब हुआ, तो मित्रों ये 3 फरवरी 2018 को, ठीक है, जो फट चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में किन जिलों को यमुना नदी के पानी देने का रास्ता खुल गया है, तो मित्रों वो है चूरू झुंझुनू और सीकर, ठीक है। सीकर को केवल पेयजल उपलब्ध होगा, ठीक है, चूरू और झुंझुनू को पेयजल के साथ में सिंचाई के लिए भी पानी अवेलेबल होगा। तो मित्रों इसी प्रकार और वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।